आज गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने दोस्त लंगोटिया की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि आज बर्थडे पार्टी में बहुत मजा आ गया। बुल्ली ने कहा कि हाँ, मुझे सबसे ज्यादा मजा खाने में आया। शॉन ने कहा कि अगर लंगोटिया ने आइसक्रीम भी खिलाई होती तो और ज्यादा मजा आता, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है। तभी गुल्ली को रॉड की आइसक्रीम वैन दिखाई देती है। गुल्ली ने कहा कि वो देखो रॉड की आइसक्रीम वैन, चलो चल के वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। शॉन रॉड की आइसक्रीम वैन देख के खुश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के पास पहुंच जाते हैं। इधर रॉड अपनी दुकान समेट रहा था। शॉन ने रॉड से कहा कि जल्दी जल्दी से हमें आइसक्रीम खिला दो। रॉड ने कहा कि अभी तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिल सकती क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। गुल्ली ने पूछा कि क्या बात है रॉड, तुम इतने टेंशन में क्यों हो और यहाँ से क्यों जा रहे हो। रॉड ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास के गांव में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे हमारे गांव को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बुल्ली ने कहा कि तुम गांव छोड़ के कैसे जा सकते हो, इधर लोग मुसीबत में हैं। हम सबको मिलके ज़ॉम्बीज को भगाना होगा। रॉड ने कहा कि मुझे ज़ॉम्बी से बहुत डर लगता है और अगर ज़ॉम्बी ने मुझे खा लिया तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, फिर मेरी आइसक्रीम की दुकान कौन खोलेगा। गुल्ली ने कहा कि अगर हम साथ में होंगे तो ज़ॉम्बी को भगाना आसान होगा। गुल्ली रॉड को समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार रॉड मान जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रॉड गुल्ली को उस गांव का रास्ता बता रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे ज़ॉम्बीज थे। गांव में बहुत ही ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़ के भाग चुके थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी उन पे हमला कर सकते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं जब उन लोगों ने इतने सारे कंकाल देखे। तभी शॉन को कुछ दिखाई देता है। शॉन ने कहा कि लगता है वहाँ पे कुछ है, हमें चल के वहाँ देखना होगा। गुल्ली गाड़ी को थोड़ा पीछे पार्क करता है क्योंकि वहाँ पे ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं। गुल्ली ने कहा कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं, हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा वरना ज़ॉम्बीज हमारा गेम बजा देंगे। तभी गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन ने बहुत ही बड़ा UFO देखा और वहाँ पे 4 ज़ॉम्बीज पहले से ही मौजूद थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि UFO में से और भी ज़ॉम्बीज बाहर आ रहे थे। ज़ॉम्बीज गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि तभी एक अंकल स्कूटर से आ रहे थे। ये क्या, तभी ज़ॉम्बी ने अचानक से अंकल पे हमला कर दिया। ये देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में अंकल भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। गुल्ली ने कहा कि हम इतने सारे ज़ॉम्बीज को नहीं मार सकते, हमें जल्द से जल्द बाबा को लेके आना होगा। गुल्ली बुल्ली बातें कर रहे थे तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के होश उड़ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज करीब आ रहे थे वैसे वैसे सभी की धड़कनें तेज हो रही थी। शॉन ने कहा कि इतने सारे ज़ॉम्बीज से बच के निकल पाना नामुमकिन है। रॉड ने कहा कि अब मेरी दुकान का क्या होगा और उधर आइसक्रीम कौन बेचेगा। जैसे ही ज़ॉम्बी गुल्ली को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है तभी गुल्ली ज़ॉम्बी को स्मैक लगा देता है। मौका मिलते ही सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। सभी लोग एक पुराने घर में छुप जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो लोग बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहते हैं।
ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड को ढूंढते हुए गांव में आगे बढ़ रहे थे। और तभी गुल्ली बुल्ली ने देखा कि दूसरे ज़ॉम्बीज घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। लगता है ज़ॉम्बीज ने सभी को देख लिया है। ज़ॉम्बीज को आते हुए देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लॉर्ड ने कहा कि ज़ॉम्बीज इधर ही आ रहे हैं, अब तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि तुम जल्दी से बाबा को कॉल करो, अब हमें सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। बुल्ली बाबा को कॉल करता है। इधर बाबा डांस करने में मस्त थे। बाबा को फोन की रिंग सुनाई देती है और वो कॉल उठाते हैं। बाबा ने कहा कि क्या हुआ गुल्ली, इतनी रात को कॉल क्यों किया, सब ठीक तो है? गुल्ली ने कहा कि हम एक गांव में बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। बाबा अपनी सुपर पावर से उस गांव का पता लगाते हैं जहाँ पे गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड थे। बाबा ने कहा कि यहाँ से उस गांव का रास्ता 20 किलोमीटर है, इसलिए तुम लोग कभी किसी सुरक्षित जगह पे छुप जाओ, मुझे आने में 1.5 घंटा लगेगा। गुल्ली ने कहा कि बाबा 1.5 घंटे में तो ज़ॉम्बीज हमें ढूंढ के काट लेंगे और हमें भी ज़ॉम्बीज बना देंगे, आप जल्द से जल्द यहाँ आओ, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। बाबा ने कहा ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट में आया। गुल्ली ने कहा कि बाबा सिर्फ 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तक हम इस बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत ही करीब आ चुके हैं। इधर बाबा अपनी सुपर पावर से हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं क्योंकि बाबा को जल्द से जल्द गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड को बचाने के लिए पहुंचना था। इधर ज़ॉम्बीज आ चुके थे और जोरों से दरवाजा खटखटा रहे थे। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। दरवाजा टूटने की आवाज से सभी की धड़कनें तेज हो जाती है। ज़ॉम्बीज उस बक्से के करीब आ रहे थे जहाँ पे गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड छुपे थे, और अब वो लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते। लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड पक्का पकड़े जाएंगे। ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे और अब वो गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड को नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड बुरी तरह से फंस चुके थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ जाते हैं। लगता है कि अब सभी की मौत तय है, पर ये क्या, लॉर्ड ज़ॉम्बी को फ्रीज कर देता है। ये देख के दूसरा ज़ॉम्बी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लॉर्ड पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गुल्ली ज़ॉम्बी को स्मैक लगा देता है। दोनों ज़ॉम्बीज को फ्रीज करने के बाद वो लोग घर से बाहर भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि 3 ज़ॉम्बीज हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगे। तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और लॉर्ड ने देखा कि गांव के अंदर और भी ज़ॉम्बीज थे। बुल्ली ने कहा कि कार के ठीक सामने ज़ॉम्बी हैं, हम अपनी कार वहां से कैसे निकाल पाएंगे। तभी लॉर्ड ने कहा कि जो करना है जल्दी करो क्योंकि वो ज़ॉम्बी सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज रहेंगे, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, हमें कहीं और जाके छुपना होगा। गुल्ली ने कहा कि हम उस झोपड़े में छुप जाते हैं। सभी लोग झोपड़े में छुप जाते हैं। गुल्ली ने कहा कि अब तो कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गांव में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं।
गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ने देखा कि ज़ॉम्बीज वहाँ से चले गए थे। तभी शॉन ने कहा कि लगता है ज़ॉम्बीज गांव के बाहर चले गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, कार को यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। बुल्ली ने कहा कि बहुत ही सावधानी से जाना शॉन, वरना ज़ॉम्बीज तुम्हें पकड़ लेंगे। शॉन ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही शॉन सावधानी से कार की ओर आगे बढ़ता है। जो डर था वही हुआ, आखिरकार एक ज़ॉम्बी ने शॉन को देख लिया। ज़ॉम्बी आवाज निकाल के दूसरे ज़ॉम्बी को भी अपने पास बुलाता है। तभी दूसरे ज़ॉम्बीज भी बर्फ तोड़ के बाहर आ जाते हैं। इधर शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी ही देर में सभी ज़ॉम्बी शॉन को घेर लेते हैं। ये देख के गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा कि मैं अपने चट्टी बट्टी शॉन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। बुल्ली ने कहा कि रुको गुल्ली, हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रॉड ने कहा कि हमें शॉन को बचाने के लिए जिंदा रहना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी ने कहा कि चलो हम इसे अपनी दुनिया में ले जाते हैं, फिर इसे हम आराम से पका के खाएंगे। इतना कहते ही ज़ॉम्बी शॉन को ले जाने लगे। इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड ने ज़ॉम्बी की सारी बातें सुन ली थी, पर वो लोग चाह के भी शॉन को नहीं बचा सकते क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज को हरा पाना नामुमकिन था। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि तुम जल्दी से बाबा को कॉल करो, आखिर कहाँ रह गए बाबा। गुल्ली बाबा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। इधर ज़ॉम्बीज आवाज निकाल के UFO बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पे UFO आ जाता है। तीन ज़ॉम्बी शॉन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली और रॉड ये सब देख रहे थे और बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरे ज़ॉम्बी गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और रॉड को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली और रॉड ने देखा कि बाबा हेलीकॉप्टर लेके आए थे। बाबा हेलीकॉप्टर लेके आ चुके थे और अब वो ज़ॉम्बीज को नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो गुल्ली बुल्ली और रॉड की ओर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गुल्ली बुल्ली और रॉड इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। इधर बाबा ने देखा कि ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और रॉड पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बाबा की खोपड़ी सटक जाती है और अब ज़ॉम्बीज की खैर नहीं। बाबा अपनी सुपर किक से दरवाजा खोल देते हैं। ये क्या, बाबा हेलीकॉप्टर पे हीरो की तरह लटक जाते हैं। लगता है कि अब बाबा ज़ॉम्बीज को नहीं छोड़ेंगे। बाबा ज़ॉम्बी को कपड़े की तरह धो रहे थे। तभी गुल्ली ने कहा कि आप इसे मत मारिए क्योंकि ये हमारे काम आ सकता है। ज़ॉम्बी शॉन को अपनी दुनिया में ले गए हैं और हमें वो दुनिया का रास्ता नहीं पता। हम इस ज़ॉम्बी से उस दुनिया का रास्ता पूछ के शॉन तक पहुंच सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। बाबा ने ज़ॉम्बी से कहा कि साले कलमुहे, उजड़े चमन, बच्चों को किडनैप करते हुए शर्म नहीं आती, बता शॉन कहाँ पे है, वरना बचे हुए दांत भी तोड़ दूंगा। ज़ॉम्बी ने कहा कि हमारी दुनिया मैजिक प्लेनेट पे है और मैजिक प्लेनेट का रास्ता स्पेस से होके गुजरता है। दूसरे ज़ॉम्बी भी शॉन को वहीं पे ले गए हैं। बुल्ली ने कहा कि हम मैजिक प्लेनेट को कैसे पहचानेंगे क्योंकि स्पेस में तो बहुत सारे प्लेनेट होते हैं।
बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, इस जॉम्बी को भी साथ में ले जाते हैं ताकि हम शॉन के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तभी जॉम्बी ने कहा कि वहां पे ये हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। बाबा ने कहा कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, चुपचाप मुझे मैजिक प्लेनेट का रास्ता दिखाओ। बाबा जॉम्बी को रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। बाबा सभी को लेके शॉन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। Take a train ride just to see you. Ride for hours. बुल्ली बुल्ली और रॉड ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगी प्लैनेट्स और स्टार्स थे। बुल्ली ने कहा कि ये तो हमारी दुनिया से भी खूबसूरत है। गुल्ली ने कहा कि हाँ बुल्ली, मैंने इतना अच्छा नजारा आज तक नहीं देखा। इधर जॉम्बी बाबा को मैजिक प्लेनेट का रास्ता दिखा रहा था। जॉम्बी ने कहा कि वो देखो, मैजिक प्लेनेट आ गया। बाबा अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए मैजिक प्लेनेट पे चले जाते हैं। जॉम्बी ने कहा कि वो देखो, वहाँ पर मेरे दोस्तों ने शॉन को पकड़ के रखा है। इधर जॉम्बी खुशी के मारे डांस कर रहे थे क्योंकि उनको आज बहुत ही अच्छा बकरा मिला है। बाबा थोड़ी दूर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं ताकि जॉम्बीज को पता ना चले। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा को बहुत ही सावधान रहना होगा क्योंकि ये जॉम्बीज का प्लेनेट है और यहाँ पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि जॉम्बी शॉन को मारने वाले थे। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग शॉन को कैसे बचा पाएंगे। तभी बाबा ने रॉड से कहा कि तुम जल्दी से वो जॉम्बी को लेके आओ। रॉड जॉम्बी को लेने के लिए आगे बढ़ता है। जॉम्बी ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। रॉड ने कहा कि चुपचाप मेरे साथ चलो, ज्यादा चपल चपल मत करो। रॉड ने बाबा से कहा कि ये लो बाबा, मैं जॉम्बी को ले आया। इधर जॉम्बी शॉन को मारने वाले थे तभी बाबा ने जॉम्बीज को चिल्लाते हुए कहा कि रुको, अगर तुमने शॉन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। जॉम्बीज के होश उड़ जाते हैं जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त बाबा के पास था। जॉम्बी ने अपने दोस्त से कहा कि तुम इस बुड्ढे के पास कैसे आ गए, तुम्हें इस बुड्ढे को काट के भी इसे जॉम्बी बना देना था। एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता, तुम जॉम्बी के नाम पे काला धब्बा हो। इधर दूसरे जॉम्बी ने कहा कि तुम ज्यादा बकबक मत करो, ये बुड्ढा बहुत ही भारी आइटम है, जब तुम्हें इस बुड्ढे के हाथों से पड़ेगी ना तब पता चलेगा। ये बुड्ढा हेलीकॉप्टर में उड़ उड़ के सबको मारता है। इधर जॉम्बीज अपने दोस्त की बात सुन के डर जाते हैं। जॉम्बी ने कहा कि ठीक है, हम इधर से शॉन को भेजते हैं, तुम उधर से हमारे दोस्त को भेजो। बाबा ने कहा ठीक है, पर अगर तुमने कोई चालाकी की तो ठीक नहीं होगा। फिर जॉम्बी शॉन को छोड़ देते हैं। इधर बाबा भी जॉम्बी को किक मार देते हैं। थोड़ी ही देर में शॉन बाबा के पास सही सलामत आ जाता है। उधर जॉम्बी भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जॉम्बीज ने कहा कि जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने कहा साले मच्छर, चींटी के पैर भी तुम लोगों से तो बड़े होते हैं, तुम लोग क्या मुझे माफ करोगे, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। जॉम्बीज बाबा की बात सुन के भड़क जाते हैं और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर बाबा जॉम्बीज को अपने करंट से जलाने की कोशिश करते हैं पर जॉम्बीज पे उसका कोई असर नहीं होता। लगता है कि बाबा की सुपर पावर यहाँ पे काम नहीं कर रही। इधर जॉम्बीज करीब आ जाते हैं और बाबा को खींच के चाटा लगाते हैं। चाटा लगने से बाबा दूर जाके गिरते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा ने कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे मेरी सुपर पावर्स काम नहीं कर रही। इधर जॉम्बी सभी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बाबा ने कहा कि सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।
सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और मैजिक प्लेनेट से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ हार मानने वालों में से नहीं थे। बाबा का पीछा करने के लिए वो लोग यूएफओ बुलाते हैं। बाबा का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड और बाबा नहीं बच पाएंगे। बाबा से कहा कि ज़ॉम्बीज़ हमारा तेजी से पीछा कर रहे हैं और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने रॉड से कहा कि अब तुम थोड़ी देर हेलीकॉप्टर चलाओ, इन ज़ॉम्बी को तो अब मजा चखाना ही पड़ेगा। बाबा अपनी स्टाइल से दरवाजा खोलते हैं। ये क्या, बाबा अपनी सुपर पावर से गन ले आते हैं। लगता है कि अब ज़ॉम्बीज़ की खैर नहीं। बाबा अपनी गन से लगातार फायरिंग कर रहे थे। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। बुल्ली ने रॉड से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द अपने प्लेनेट पे लौटना होगा। रॉड ने कहा कि बस अब कुछ ही देर में हम हमारे प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे। इधर बाबा यूएफओ पे लगातार फायरिंग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। इधर यूएफओ भी हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए आ जाता है। बाबा फायरिंग कर रहे थे और तभी यूएफओ पे गोली लग जाती है। गोली लगने से यूएफओ नीचे गिर जाता है। रॉड हेलीकॉप्टर लैंड करता है। गुल्ली ने बाबा से कहा कि वो देखो वहाँ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बना देता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज तुम लोगों को हाथ भी ना लगा सके। अब बाबा ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया और अब वो ज़ॉम्बीज को नहीं छोड़ेंगे। मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी ज़ॉम्बी जोर जोर से रोने लगा। ज़ॉम्बी ने कहा कि हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी गुल्ली ने कहा कि बाबा हमें ज़ॉम्बीज को एक और मौका देना चाहिए। इधर ज़ॉम्बी जोरों जोरों से रो रहे थे, इसलिए बाबा ने ज़ॉम्बीज़ को माफ कर दिया।
बाबा ने ज़ॉम्बी से वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को उल्टा लटका के मारूंगा। ज़ॉम्बीज़ ने बाबा से कहा कि आपने हमारी आंखें खोल दी, हम कभी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। तभी शॉन ने कहा कि चलो बाबा, इसी खुशी में हम पार्टी करते हैं। कि हम सबको आपके साथ बहुत मजा आया। तभी दूसरे ज़ॉम्बी ने बाबा से कहा कि आप लोग भी कभी हमारे मैजिक प्लेनेट पे आना, हम वहाँ पे बहुत मजा करेंगे। इतना कहते ही सभी ज़ॉम्बीज खुशी खुशी अपने मैजिक प्लेनेट पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बीज़ की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।